दक्कन सवेरा के लिए अब्दुल रज्जाक महाराष्ट्र नांदेड़ से। और आज सुबह 6 बजे एक ऐसी घटना घटी है, और रेलवे का मालगाड़ी जो निजामबाद से निकलकर पूर्णा जाने वाला था और उसके आगे कहाँ जाने वाला था उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। और सूत्रों से मालूम हुआ ऐसा कि निजामबाद से पूर्णा के लिए निकला था, और अभी रेलवे प्रशासन इसके ऊपर हम मीडिया से कोई बात नहीं कर रहा है कि डब्बा जो भी मालगाड़ी है इंजन से दूसरा डब्बा था उसका जो व्हील है वो नीचे उतर गए एक डब्बे के, और उसके कारण रेलवे की यातायात यहाँ पे अभी ठप पड़ी है। और ऐसा लगता है सुबह 6:50 से जो भी यहाँ से जो ट्रेन जाने आने वाली थी ये सारे अभी बंद है। तो इसके लिए अभी देवगिरी एक्सप्रेस भी नांदेड़ में ही ठहरा है। नांदेड़ से जितने भी रूट के ट्रेन इधर जाने वाले थे हैदराबाद के लिए ये सारे अभी बंद है। और ऐसा हमको इन्फॉर्मेशन मिली है कि सूत्रों से कि रेलवे प्रशासन बहुत जल्द इसकी काम कर लेगा। तो दोपहर 2 बजे के आसपास रेलवे यातायात भी है वो चालू हो जाएंगे ऐसा हमारे सूत्रों से मालूम हुआ है। जो भी इसके अंदर तकनीकी प्रॉब्लम है अभी तो प्रशासन इसके ऊपर हमसे बात करने के लिए मना कर दिया है, और हमको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी आप तक हम हमारे दर्शकों को ज़रूर पहुँचाएंगे। और देखते रहिए डक्कन सवेरा अब्दुल रज्जाक महाराष्ट्र नांदेड़ से। सपना निकाला पीटी से कर लेंगे।